अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज एक और सवाल का जवाब एमडीकेट के बुक के हवाले से और डॉकेट के हवाले से एमसीक्यूज गाइड एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैं आपका इस पर एक मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ और स्टूडेंट्स का ये मसला हल हो जाए। देखिए, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ बोलता है। जहाँ तक मेरा तजर्बा है, अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में मुबतला हो जाते हैं और वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते। किसकी तैयारी? एमडीकेट के लिए, जो कि एक बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। किस चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि मैं किस बुक से जो है तैयारी कर लूँ। कभी एक दोस्त कह रहा है कि ये वाला ज़बरदस्त गाइड है, एमडीकेट है, इसमें बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। कोई दूसरा दोस्त कुछ और से कर रहा है। हर बंदा अपना दुकान चमका रहा है, हर बंदा अपना डॉकेट की तारीफ कर रहा है, इसमें बड़े अच्छे एमसीक्यूज है, यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे। यार, वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर टेस्ट जो है वो एक मखसूस डॉकेट से आ जाए, ठीक है ना। वो अगर आप गौर से देखें तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि एक डॉकेट बना हुआ है और किसी शख्स ने जो है ना उसी डॉकेट से एमसीक्यूज लाए। ये दो नंबरी हैं, ये बिल्कुल दो नंबरी है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। अलबत्त ऐसा हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह। जो लोग टेस्ट बनाते हैं मुल्की सतह पर, वो ज़रूर कुछ अच्छा बंदोबस्त करेंगे। उनको पता होगा कि यार हज़ारों की तादाद में लोग तैयारी करेंगे, तो अगर एक मखसूस डॉकेट से वो एमसीक्यूज लाएं तो बाकी बेचारे क्या करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह। पुरउम्मीद रहें, जो लोग टेस्ट बनाएंगे वो टेस्ट बैंक्स बनाएंगे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड एमसीक्यूज होंगे, मुख्तलिफ वैराइटीज़ के एमसीक्यूज होंगे। उन वैराइटीज़ ऑफ डॉक्टर्स के जो बैंक्स हैं, एमसीक्यूज बैंक, वहाँ से वो कुछ एमसीक्यू सेलेक्ट करेंगे तो आप लेंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि बस टाइम टू टाइम की बात है। अगर एमसीक्यूज का सिलसिला आ जाए कि एक्सपर्ट लोग हों, मैं ख़ुद इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर ये सिलसिला मेरे हाथ आ जाए, तो बहुत मुश्किल है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा इस तरह से, अगर ये हाथ आ जाए एक्सपर्ट में। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी इस एमडीकेट के एक्सपर्ट होते हैं पाकिस्तान में हैं माशाल्लाह से बहुत सारे लोग, अगर वो ईमान रखने वाले हों, ईमान, तो वो बेहतरीन टेस्ट तैयार करेंगे, बेहतरीन टेस्ट तैयार करेंगे। वो एक ऐसा टेस्ट होगा कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो सूटेबल होगा, वो इंसाफ पे बेस होगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल अब मैं आपस अपने उस पे आता हूँ कि कौन सी, आप ये कन्फ्यूजन पहले ख़त्म कर ले कि कौन सी डॉकेट है कौन सी। देखो, कोई एक बुक आप ले लें, ख़ासकर टेक्स्ट जो है या नेशनल फाउंडेशन के हैं या फेडरल बोर्ड के हैं या केपी बोर्ड के हैं। मैंने जहाँ तक देखा भाई, ये जो तीन बुक्स हैं मुझे बड़े अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट वाइज मैं बात कर रहा हूँ। आप ये मत कहना कि इस वाले बुक में से पढ़ूँ तो वो वाला बुक में। यार एक बात मैं बताऊँ आपसे, अगर हार्ट का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, हार्ट में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सारे बुक में है, सारे बोर्ड में है, तो क्या आपको लगता है कि एक बोर्ड कह रहा है कि दिल में चार खाने हैं, दूसरा बोर्ड में लिखा हुआ है दिल में तीन खाने हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर बुक टू बुक जो है उसका डायग्राम डिफरेंट हो सकता है, उसका लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई वो सेम रहता है। 2+2=4, चाहे आप सिंध बोर्ड में देखें तो 2+2=4, 2+2=4 हर बोर्ड में देखें। हाँ, उनका कलर डिफरेंट होगा, उनका पेज नंबर डिफरेंट होगा, उसका यूनिट नंबर डिफरेंट होगा। तो एक आप इस बात से बाहर आ जाए, कौन सी बुक से तैयारी कर ले, ऐसी बुक से तैयारी कर ले जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बनता हो। एक बुक ले ले, हर बुक्स की तरफ आप ना देखें। डॉकेट कौन सा डॉकेट ले ले, यार आदमी कोई देख रहा था 15,000+ एमसीक्यूज, 12,000+ एमसीक्यूज के वाले, इसमें स्टूडेंट्स आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। यार मैंने, मेरे पास तो 500 एमसीक्यूज वाला बुक है, उसके पास तो 12,000 वाला है, तो उसका मतलब वो तो आगे जाएगा। ये सब के सब जो है ये कन्फ्यूजन्स हैं, ये आपको फेल करने के लिए है, ये कन्फ्यूजन आपको फेल कर देंगे।
आप ना एक डॉकेट ले लें, एक डॉकेट ले लें, और सबको आजकल पता है कोई एक ले ले बस, बस उस पे बिस्मिल्लाह कर ले, उस डॉकेट से आप तैयारी शुरू कर ले। उस डॉकेट से तैयारी कर ले, उसकी जो कीज है उस कीज को वेरीफाई जरूर क्या करे। अगर आप 200 एमसीक्यूज में से एक गलती आप निकाल लेते हैं तो इट्स ओके। 200 एमसीक्यूज में दो है, 100 एमसीक्यूज में एक गलती है, गुंजाइश है। 100 एमसीक्यूज में 5 एमसीक्यूज के आंसर कीज आपने देखे यार ये तो गलत है, वो डॉकेट आप नहीं लेना जिसके आंसर कीज 100 में से 5 से ज्यादा गलतियां हों। एक गलती दो गलती तक गुंजाइश है, कोई बात नहीं है, अगर हो जाए ऐसे डॉकेट होंगे तो ठीक है, बाकी आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो अपना कॉन्सेप्ट बोर्ड से बनाओ, बुक से बनाओ, वीडियोस देख ले, उस्तादों के साथ इंटरेक्ट कर ले। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इस बार इंशाल्लाह इंडिकेट के लिए एक्टिव आ जाऊंगा, खासकर बायोलॉजी में, अगर मजीद हुआ तो फिर केमिस्ट्री की तरफ भी चले जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी में मैं एक्टिव होना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ, काफ़ी डिस्कशन होगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी बोर्ड के बुक से आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करेंगे ना, तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से किस डॉकेट से कौन सी बुक से ले लूँ, आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। प्लीज़ बराए मेहरबानी कोई एक डॉकेट ले लें, बस उस पर आंखें बंद करके हर एक से नहीं पूछना कि आप कौन सा डॉकेट यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा डॉकेट, ये आपके लिए कन्फ्यूजन है, किस तरह की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, खुद से जाके देख लो। अलबत्ता यूट्यूब से वीडियोज देखते जाए, सिर्फ मेरा नहीं, जहां जहां आपको अच्छी वीडियो मिल जाए, आपको लगे कि यार ये बंदा सही पढ़ा रहा है, ऐसे आपको समझ आ रहा है, बस उसको फॉलो करें, या आपका कोई उस्ताद है उसके साथ आपका राबता है तो उसके साथ आप कर लें। अपना कॉन्सेप्ट जो एक बार डेवलप हुआ तो आप मशीन की तरह खुद ब खुद चलते रहोगे, और इस बार इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मैं बस वो बहुत करीब पहुंचा हूं, एक ग्रुप बनाने का छोटा सा पैकेज भी रखेंगे, फीस रखेंगे, उसमें बेहतरीन तैयारी करेंगे एमसीक्यूज के, प्रैक्टिस के हवाले से बायोलॉजी के, तो वेरी सून आप देखते जाएंगे। इस बार मेरा इरादा है उस पर प्रॉपर वीडियो आ जाएगी कि उसमें मैं ये कह दूंगा कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि बस पीएचडी का जो मुश्किल मरहला था तकरीबन वो हो चुका है, अभी जो मरहला है वो इतना मुश्किल नहीं है। तो सी यू सून, बस जो मैंने कहा था ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया, अक्सर मुझे लोग इसमें कहते थे कमेंट्स में कि बुक्स बताए, तो ये मेरा जवाब है कि मैं कौन सा बुक आपको बता रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा।